नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 5 जनवरी को जो घटना घटित हुई जेएनयू में, एक आतंकवादियों का समूह घुसा और मारपीट की, उसको लेकर जो रोष की भावना है वह बिल्कुल सही है और यह बात भूली नहीं जाएगी। और यह बात कब तक नहीं भूली जाएगी? जब तक इस घटना को लेकर इंसाफ नहीं हो जाएगा, जब तक वह लोग सामने नहीं आ जाएंगे जिन्होंने इसकी, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, और वह तमाम लोग जो उस विश्वविद्यालय के अंदर घुसे और मारपीट की घटना को अंजाम दिया, यह घटना तब तक नहीं भूली जाएगी जब तक इस घटना को लेकर इंसाफ नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि जो वीसी हैं जेएनयू के, उन्होंने लगातार मीडिया का सामना नहीं किया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। यहां पर अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, वह उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार उनका बचाव करना चाह रही है, लेकिन विपक्ष के कई नेता हैं, कई तमाम ऐसे ईमानदार नेता हैं जो चाहते हैं कि शांति बनी रहे और पीड़ितों को न्याय मिले, इस संबंध में वीसी को हटाने की मांग कर रहे हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस की। 4 सदस्यीय कमेटी की एक मीटिंग हुई, उस बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है कि, और उन्होंने जो बात कही है कि जो कुलपति है जगदीश कुमार, तो वह इस्तीफा दें और वही इस जो पूरा पूरी घटना घटित हुई है, वही जगदीश कुमार ही इस घटना के मास्टरमाइंड है। यह बात कर कही है कांग्रेस की इस कमेटी ने, 4 सदस्यीय। यहां पर समिति की जो सदस्य है सुष्मिता देव, उन्होंने कहा है कि आपराधिक जांच शुरू की जानी चाहिए। जगदीश कुमार जो वाइस चांसलर हैं, उनके खिलाफ, उन्हीं की देखरेख में यह सब हुआ है, उन्हीं की निगरानी में इस घटना को घटित किया गया है। यह हम भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप के मैसेज मिले हैं और जो सबूत हाथ लगे हैं, तो उसमें साफ कहा जा रहा है, वहां पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको उन दो व्यक्तियों का नाम पता होगा जिनका स्टिंग ऑपरेशन किया है आज तक ने। इंडिया टुडे ने भी इस बात को साफ किया है कि उन व्यक्तियों ने साफ कहा है कि पुलिस भी हमारे साथ है। पुलिस ने कहा है कि जाइए उनके साथ मारपीट कीजिए, और इसमें वाइस चांसलर भी शामिल थे। तो अब जब जितनी बातें सामने आ रही थी कि आपराधिक जांच तो होनी ही चाहिए वाइस चांसलर के खिलाफ, यही कांग्रेस कह रही है। तो अभी देश में जो विपक्षी दल हैं वो न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, वह जनता के साथ उतर आए हैं और लगातार देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या वीसी को, जो वीसी हैं जगदीश कुमार हैं, क्या उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए? क्या वह इस अपराध के जो घटना घटित हुई है, क्या उसके मास्टरमाइंड या वीसी ही हैं? क्या पुलिस भी इस सारे कार्यक्रम में अपराधियों के साथ ही थी? क्या वह अपराधी नेताओं के ही गुर्गे हैं, सत्ताधारी दल के ही गुर्गे हैं? इस तमाम सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कार्यक्रम को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।